हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, हम किस तरीके से बाइनेंस पे आईडी से पैसे रिसीव कर सकते हैं और पैसे सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले ये बाइनेंस पे आईडी होती क्या है। बाइनेंस पे आईडी से आप पैसे रिसीव और सेंड कर सकते हैं, फंडिंग वॉलेट में भी और स्पॉट वॉलेट में भी। इससे आपको ये फ़ायदा होता है, जैसे आप यूएसडीटी TRC20 एड्रेस यूज़ करते हैं पैसे को ट्रांसफ़र करने में, तो इससे ये फायदा होता है कि अगर आप बाइनेंस आप विड्रॉ या डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपकी फीस डिडक्ट नहीं होगी। सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है। और जब हम यूएसडी TRC20 एड्रेस में जब विड्रॉ लेते हैं, हम उस टाइम पे हमको नेटवर्क चूज करने में दुश्वारी का सामना होता है, जिस वजह से हमसे गलती होती है और हमारा ट्रांसफर रॉन्ग नेटवर्क पर चले जाता है और हमारे फंड लॉस हो जाते हैं। लेकिन बाइनेंस पे में आपको सिर्फ ईमेल आईडी अगर आपकी हो, आपको जिस सेंडर को भेजने हैं तो आपको सिर्फ ईमेल आईडी डालनी है, या उसका मोबाइल नंबर हो, या बाइनेंस पे आईडी उसकी हो, या यूआईडी हो। अब हम चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये फाइनेंस पे क्लिक करना है, बाइनेंस पे भी क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं, जब आपने फाइनेंस पे क्लिक किया उसके बाद बाइनेंस पे आ गया आपके पास ऑप्शन, ठीक है। इससे आप सेंड और रिसीव कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, किस तरीके से सेंड और किस तरीके से रिसीव होता है। लेकिन ये सब चीज़ें करने से पहले आपका जो ये अकाउंट है ये वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो आप अपना अकाउंट वेरीफाइड कराएं, उसके बाद ही आप बाइनेंस से पे आईडी यूज़ कर सकते हैं। विदाउट वेरीफिकेशन आप बाइनेंस पे आईडी यूज़ नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, सबसे पहले समझे कि आपने सेंड करना है। आपने जब सेंड करना है, आपने सेंड पर प्रेस करना है। आप जब सेंड पर प्रेस करेंगे तो आपको ये चार ऑप्शन शो होंगे। आप उसकी ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं, आप उसके फोन जिसको आपको भेजने हैं पैसे उसकी फोन आईडी पे भी भेज सकते हैं, फोन नंबर पे भी भेज सकते हैं, पे आईडी पे भी भेज सकते हैं। पे आईडी क्या होती है, बाइनेंस की पे आईडी में आपको बताऊंगा क्या होती है। और ये बाइनेंस आईडी होती है, बाइनेंस आईडी मीन बाइनेंस यूआईडी जो होती है ये वो होती है, ठीक है। अब मैं आपको बाइनेंस पे आईडी पे भेजना बताऊंगा, पे आईडी क्या होती है वो भी बताऊंगा आपको। पे आईडी चले आपको मैं बताता हूँ क्या होती है, आपको रिसीव करने का तरीका भी इसी वीडियो में बताता हूँ मैं आपको। आप बैक रिसीव पे जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं, ये माय पे आईडी है। अगर समझे कि मैंने इस पे आईडी पे पैसे भेजने हैं, मैं इसको क्लिक करूंगा, ये कॉपी हो जाएगी, ठीक है, ये कॉपी सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये सेलेक्ट करेंसी भी आप कर सकते हैं और सेव क्यूआर कोड भी कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करेंसी में आप सेलेक्ट करेंसी में जाएंगे, आप ये आप देख सकते हैं, ये BNB अभी शो हो रहा है, मैं क्लियर करेंसी करूंगा, ये ऐसे शो हो रहा है। अगर मुझे यूएसडी TRC20 चाहिए तो इधर मैं यूएसडी TRC20 प्रेस करूंगा, ये देखें आप, ये USDT TRC20 आ गई। अब मुझे अमाउंट ऑप्शनल आ रहा है, ठीक है, और कंफर्म आ रहा है, मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा QR कोड USDT TRC20 का बन गया है, ठीक है। अगर मुझे रिसीव करनी होगी USDT TRC20 तो मैं ये QR कोड किसी और को फॉरवर्ड कर सकता हूँ, फिर वो मेरी इस बाइनेंस पे आईडी पे USDT सेंड कर देगा, या फिर मैं अपना पे आईडी ट्रांसफर उसको जो जिससे मैंने पैसे रिसीव करने होंगे, USDT रिसीव करनी होगी, कोई भी टोकन रिसीव करना होगा उसको मैं अपना पे आईडी दूंगा, वो मुझे टोकन सेंड कर सकता है, या फिर मुझे अपनी ईमेल देनी पड़ेगी ताकि वो मुझे टोकन सेंड कर दे, या फिर मुझे अपनी बाइनेंस यू आई डी देनी पड़ेगी ताकि जिससे मुझे पैसे लेने हैं वो मुझे टोकन सेंड कर दे। ये था कि आप किस तरीके से आप रिसीव कर सकते हैं और मैं सेंड कर, ये तरीका था कि आप किस तरीके से रिसीव कर सकते हैं। आपने अगर रिसीव करनी है USDT या कोई भी करेंसी, आपने क्या क्या चीज़ें देनी है, इनमें से कोई एक चीज़ देनी है, ठीक है। रिसीव करने का मैंने आपको बता दिया है, अभी भेजने के लिए हमें क्या करना होगा। आपने जिस आईडी को भेजना है पे आईडी पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने आईडी नंबर मिलाना है, आपने पे आईडी
का नंबर मिलाना है, ठीक है। एक तो ये बात है जिसको आप भेज रहे हैं, और अगर आपको बेनिफिशियरी ऐड करना है इसको कॉमन पेज में जाके, ऐड पे भी जाएंगे आप, बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप बेनिफिशियरी भी ऐड ऐसे कर सकते हैं, माय नेम, ठीक है, मेरी आईडी है, मतलब किसी भी जिसके नाम की पे आईडी आप ये रिमार्क दे सकते हैं। और बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे, ठीक है। और जब आप वैसे भी पैसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास कोड आएगा ईमेल आईडी पे और आपके फ़ोन नंबर पे, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी पिन सेट की भी, आप पिन भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, आप पिन भी सेट कर सकते हैं। जब आप पिन सेट करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी और आपके फ़ोन नंबर पे कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी पिन सेट हो जाएगी। फिर आपको दोबारा दोबारा आपको ईमेल आईडी और अपने फ़ोन नंबर पे कोड की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए आप डायरेक्ट जब एक बार पिन सेट कर लें ताकि आपको बाद में दुश्वारी ना हो, और सिर्फ आप पिन नंबर मिलाएं और आपके पैसे सेंड हो जाएं। आप इधर लिखा है BUSD, इधर जिसको मैंने पैसे भेजने वो आ गया, और इधर लिखा है मैंने जो करेंसी भेजनी है BUSD, ये आ गई, और इधर लिखी अमाउंट, अमाउंट मैंने इधर कितनी भेजनी है। मैं आपको चेक करने के लिए इधर 5 भेज के दिखाऊंगा, 5 BUSD। और नोट में क्या डाल, नोट में डालता हूँ पार्टी में नोट डाल देता हूँ, और मैं कंटिन्यू प्रेस कर देता हूँ। अब जब मैं कंटिन्यू प्रेस करूँगा तो मुझसे ये सवाल कर रहा है कि आपको जिसको पैसे भेजने हैं जिस रिसीवर पे, उसके कौन से अकाउंट में भेजने हैं। तो मेरी जो मनी है वो फंडिंग वॉलेट में, तो मेरे फंडिंग वॉलेट में जाएंगे, और अगर आपको स्पॉट वॉलेट में भेजने हैं तो स्पॉट वॉलेट भी भेज सकते हैं, लेकिन स्पॉट वॉलेट के लिए आपके अकाउंट में बैलेंस स्पॉट वॉलेट में होना चाहिए। तो अभी ये BUSD मेरी फंडिंग वॉलेट में, तो इसलिए मैं फंडिंग वॉलेट से भेजूंगा। अगर आपको स्पॉट वॉलेट से भेजने तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। अब मेरे पास ये टाइम है, 84 सेकंड के अंदर मैं कंफर्म कर दूँ 5 USD। अब ये इंटर पिन मांग रहा है, इंटर पे पिन, जो मैंने उधर वेरिफिकेशन कराई थी, जो मैंने आपको तरीका बताया था। मैंने अपनी पिन दे दी इधर, उसके बाद मैं कंफर्म पे प्रेस कर, अब ये पेमेंट सक्सेस हो चुकी है, ठीक है, और ये पेमेंट मुझे रिसीव भी हो चुकी है, फंडिंग वॉलेट 5 BUSD और ये सब कुछ इसकी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसमें फ़ायदा भी आपका है, और अगर नहीं करेंगे तो इसमें नुकसान भी आपका है। तो ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको क्या करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम हाजिर होंगे आपकी खिदमत के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, अपने मेज़बान अम्मा अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।